नमस्कार दोस्तों, एयरपोस्टर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 40 केवीए का डीजल जनरेटर, और ये आपके सामने है किलोस्कर ग्रीन की कंपनी की ओर से, जो कि 32 किलोवाट तक की लोड दे सकता है। बहुत ही पावरफुल है, 166 एम्पियर इसकी करंट है, 240 वोल्ट है, मतलब सिंगल फेज का है, 1500 आरपीएम की ये है। एक्साइटेशन सिस्टम जैसे कि हमने बताया, ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम ये होता है। और ये देखिए, ये आपकी अल्टरनेटर है, यानी एसी जनरेटर। ये उसकी एक्साइटेशन सिस्टम जो कि पैनल है, और उसके ऊपर आपको टैंक मिल जाता है, जहाँ की ऑयल टैंक है। और ये आपकी इंजन पार्ट है, वही किलोस्कर की इंजन है। ये एग्जॉस्ट है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा एग्जॉस्ट है, 40 केवीए का है। और यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्टर भी दिख रहा है, नीचे सेल्फ स्टार्टर भी है यहाँ पे। और ये बहुत ही अच्छा मॉडल है, ये कंपनी बिल्ट मॉडल है। और आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि ये आपका पैनल है, कंट्रोल पैनल। उसके बाद ऑयल लेवल दिखाएगा, उसके बाद प्रेशर, जो लूब ऑयल का प्रेशर का केजी पर सीएम स्क्वायर, उसको भी दिखाएगा। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का एक आवर मीटर दिया है, कितना आवर चला है वो भी दिखाएगा। उसके बाद स्विच है, और ऊपर अनाउंसेशन पैनल है, वहाँ पे फ्यूज फेल का, चार्ज बैटरी कितना है, ऑक्स ऑक्सिलरी कोई अगर ट्रिप हुआ है वो भी दिखाएगा, लो लूब ऑयल का अगर प्रेशर है वो भी दिखाएगा, क्योंकि लूब ऑयल प्रेशर कम हो गया तो इंजन का प्रॉब्लम हो सकता है, हाई टेम्परेचर हो भी दिखाएगा। और आपका कोई अगर कहीं पे बेल्ट भी अगर टूट गया तो वो भी आपको डिटेल में ये चीज़ अनाउंसेड करेगा, क्योंकि बड़े इंजन पे आपको तुरंत ही पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये अनाउंसेटर पैनल बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीका है, जो कि आपको कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम है, सेंसर के माध्यम से यहाँ पे उनका सारा कॉन्टैक्ट है। तो बड़े जब बड़े बड़े अल्टरनेटर की बात आती है तो वहाँ पे आपको ये कंट्रोल पैनल मिल जाएंगे। इसके बाद हम और भी बड़ा, ये 40 केवीए का है, उसके बाद 62 केवीए का दिखाएंगे, उसके बाद 1250 केवीए का भी हम डीजी सेट दिखाएंगे। ये सिंगल फेज का सेट है, बहुत लोग पूछते थे कि ये कितनी फेज का है, ये सिंगल फेज है, यानी आपकी डीजे के काम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और टेंट हाउस है आपके पास तो ये टेंट हाउस के काम पे, शादी पे, कोई भी प्रोग्राम पे ये आराम से 40 केवीए यानी बहुत अच्छा चलेगा। आपका साउंड का काम भी हो जाएगा, लाइट का काम भी, एक बड़ा प्रोग्राम का भी हो जाएगा। तो जिनके पास टेंट हाउस है तो बिल्कुल ये वाले मॉडल्स उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। और इसमें आपको सारा चीज़ दिखने को मिल जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। और 6 सिलेंडर वाला इंजन है, यानी बहुत ही पावरफुल है, आप देख सकते हैं इसकी। और यहाँ पर आपको सारा चीज़ फिजिकली देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे, देखिए 6 सिलेंडर आपके सामने दिख रहा है, बहुत ही पावरफुल है। कूलिंग के लिए यहाँ पे ब्लोअर्स कूलिंग है, एयर कूलर, एयर कूलिंग है ये। और नीचे की इनसाइड के लिए लूब ऑयल का भी यहाँ पे सर्कुलेटर होता है, क्योंकि ऑयल सर्कुलेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। और फिल्टर तो है यहाँ पे, और आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, बहुत ही मजबूत चचीज के साथ बनी है, कंपनी मेड है ये। और देखिए यहाँ पे ये वाला जो है, आपको जब स्टॉप करना होता है, यहाँ पे ओयर लगा हुआ है इस इक्विपमेंट पे, तो इसको जब स्टॉप करना होता है तो आपको स्विच दबाना है और सप्लाई यहाँ पे आ जाता है। सप्लाई आने के बाद ये स्टॉप हो जाता है, ये पैनल से ही इसके साथ कनेक्शन किया गया है, तो ऑन ऑफ यहाँ पे हो सकता है और बंद भी, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सारा चीज़ आपके सामने है। यहाँ पे आपको 6 सिलेंडर है, इसीलिए 6 इंजेक्शन पॉइंट्स यहाँ पे दी गई है, 6 सिलेंडर वाला है। और ऑयल चेकिंग करने के लिए आपको दी गई है साइड पे, और ये आप देख सकते हैं कैसे 40 केवीए का दिखता है। मैं कभी इसका ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम कैसे काम करता है अल्टरनेटर का, उसका एक सेपरेट वीडियो दिखाऊंगा दोस्तों। वो एक थ्योरी पार्ट है, जो कि अल्टरनेट का ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम आता है। आप डीसी ब्रश भी, कुछ लोग ब्रश भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर बिना ब्रश का कैसे एक्साइटेशन होता है, वो चीज़ हम आपको ज़रूर किसी एक वीडियो पर दिखा देंगे। तो ये था दोस्तों 40 केवीए का जनरेटर। और अगर आपको कोई भी चीज़ें डाउट है वो तो आप ज़रूर हमें पूछ सकते हैं। ये ओवरव्यू है था 40 केवीए का डीजे सेट है, यानी जनरेटर है ये, ऐसी जनरेटर सिंगल फेज में है, 32 किलोवाट तक की लोड यानी आप दे सकते हैं इसमें। आपको ये चीज़ याद रखना होगा। एक्साइटेशन सिस्टम के बारे में हमने बता दिया था, 250 वोल्ट देना पड़ता है रोटर को। तो ये इसकी इंजन है, HA694 इंजन टाइप का है, और ये 65 BHP का इंजन है, जो कि किर्लोस्कर ग्रीन की तरफ से है। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी मॉडल है, अगर आप टेंट हाउस जैसे हमने बताया कि आप ले सकते हैं। और इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत।